आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर, तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1,06,77,710 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 13,203 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे में 131 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,53,624 पहुंच गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 62 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 4 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 28, नैनीताल में 13, हरिद्वार में 10, उधमसिंह नगर में 6, चमोली में 2, टिहरी रुद्रप्रयाग पिथौरागढ़ जिले में 1-1 संक्रमित मामला सामने आया। प्रदेश में 4 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, इसमें श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 2, जेएनएल जिला अस्पताल रुद्रपुर में 1, मेडिसिटी हॉस्पिटल रुद्रपुर में 1 मरीज ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में 1,635 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। सादिक व राम विलास समेत 10 को पद्म भूषण, 102 को पद्मश्री। तो देश के 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने 119 लोगों को पद्म पुरस्कारों से नवाजने की घोषणा की है। अब सिक्किम में चीनी सेना की घुसपैठ नाकाम, तो पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध के बीच चीन ने अब सिक्किम में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC से सटे मोर्चे वाली जगह पर घुसपैठ की नाकाम कोशिश की है। उकसाने की यह कार्रवाई उत्तरी सिक्किम में 16,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित नाकू दर्रा इलाके में हुई। महाकुंभ के आयोजन पर केंद्र ने बढ़ाई सख्ती, कुंभ मेले की SOP जारी करने के बाद अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पत्र से राज्य सरकार असमंजस में पड़ गई है। पत्र के अनुसार केंद्र कोरोना के खतरे को देखते हुए कुंभ को सुरक्षित और सीमित करना चाहता है, लेकिन साधु संत चाहते हैं कि कुंभ मेला भव्य और दिव्य हो। जय जवान जय किसान देश की निगाहें आज राजधानी पर। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी में राजपथ पर जवानों की परेड के बाद देश की निगाहें किसानों की ट्रैक्टर रैली पर होंगी। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। दिल्ली पुलिस ने किसानों को सिंधु टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर यानी 3 मार्गों से ट्रैक्टर रैली की इजाज़त दी है। लंबित मांगों को लेकर बेरोजगारों का शिक्षा निदेशालय में धरना, तो मांगों पर अमल न होने से नाराज BA TET पास पर शिक्षित बेरोजगारों ने शिक्षा निदेशालय में धरना दिया। सोमवार को धरने पर बैठे बेरोजगारों ने कहा कि सरकार मांगों पर अमल न कर उनके हितों को अनदेखी कर रही है। बेरोजगारों का कहना है कि प्रदेश में इन दिनों शिक्षकों की भर्ती चल रही है, जिसमें शिक्षकों के पद बढ़ाने के लिए मार्च 2021 तक सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों के पदों को खाली मानते हुए इस भर्ती में शामिल किया जाए, जबकि NIOS से DLED की मान्यता वाला मसला भी अब तक हल नहीं हो सका है। NIOS से DLED करने वालों को शिक्षक भर्ती में शामिल न करने का शीघ्र आदेश जारी किया जाए। इसके बाद बेरोजगार मांगों को लेकर राज्य मंत्री जगबीर भंडारी से मिले। उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती अल्मोड़े जिले की पात्रता सूची जो है वो जारी कर दी गई है। तो जिन अभ्यर्थियों ने 2018-19 में फॉर्म भरे हुए थे, वे अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके अपना लिस्ट दे सकते हैं। इसमें अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और अगर मार्क्स में कोई भी गलती है तो वे प्रत्यावेदन कर सकते हैं। प्रत्यावेदन की अंतिम तिथि 2 फरवरी रखी गई है। इसी प्रकार से उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती टिहरी की भी जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। तो जिन अभ्यर्थियों ने 2018-19 में ये फॉर्म भरे हुए थे, तो वे अभ्यर्थी स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के और अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सभी चीज़ देख सकते हैं। अगर किसी के भी फॉर्म में कोई भी गलती है, किसी के डाटा में कोई गलती है, तो वे जो हैं 1 फरवरी 2021 तक आप इस पर प्रत्यावेदन कर सकते हैं और स्पीड पोस्ट के माध्यम से 1 फरवरी तक ये आपको कार्यालय में पहुंचना चाहिए। इसके बाद अगर लेट करते हैं तो उसके आगे कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाएगी। तो इसलिए समय रहते एक बार स्कूल एजुकेशन की ऑप्शन वेबसाइट में जा करके देख लें अपना नाम और उसके बाद यहाँ पर अगर कोई गलती है तो प्रत्यावेदन कर दें। वाहन गिरने से स्कूली छात्रों समेत 6 घायल, तो कपकोट से खबर आई है। रमाणी से सामा आ रही पिकअप सवारी वाहन सामा पहुंचने से पहले बेकाबू होकर खाई में गिर गया। इस घटना में चालक और इंटर कॉलेज के 5 छात्रों समेत कुल 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को 108 से CSC कपकोट लाया गया। रतुड़ी को सर्वोच्च पुलिस पदक, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सोमवार को CRPF के शहीद सहायक उप निरीक्षक मोहनलाल रतुड़ी को वीरता के लिए सर्वोच्च पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। मूल रूप से उत्तरकाशी के बनकोट गांव निवासी रतुड़ी का परिवार देहरादून में रहता है। उधर केंद्र सरकार ने राज्य के 4 IPS अफसरों समेत 9 को राष्ट्रपति के पुलिस पदक से सम्मानित करने का ऐलान किया है।
पिथौरागढ़ में गुलदार ने महिला को मार डाला, तो देवलथल क्षेत्र में आदमखोर गुलदार ने घास काटने गई एक और महिला को मौत के घाट उतारकर इलाके में दहशत फैला दी। घटना सोमवार अपराह्न करीब 3 बजे आगर गांव के जंगल में उस वक्त हुई जब बकरी को बचाने दौड़ी महिला को देख गुलदार हमलावर हो गया। गुलदार ने सिर्फ 1.25 महीने के भीतर क्षेत्र में 3 महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया है और 2 महिलाओं को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। उत्तराखंड के डॉक्टर भूपेंद्र सिंह और प्रेमचंद शर्मा को पद्मश्री सम्मान। तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों का घोषणा कर दी गई है। इस बार कुल 119 लोगों को पुरस्कारों के लिए चुना गया। उत्तराखंड के डॉक्टर भूपेंद्र सिंह संजय और प्रेमचंद शर्मा को पद्मश्री से नवाजा जाएगा। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत कोर्ट से दोष मुक्त। तो कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को अपर जिला जज की अदालत ने वर्ष 2012 में दर्ज हुए आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दोषमुक्त कर दिया है। उत्तराखंड के अनुराग रमोला पीएम मोदी से हुए रूबरू। तो कला संस्कृति श्रेणी में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए चुने गए अनुराग रमोला पर वोकल फॉर लोकल की थीम पर आगे बढ़ेंगे। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वर्चुअल संवाद के बाद अनुराग ने वोकल फॉर लोकल को अपनी कला का केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा है। रामनगर से खबर आई है कि शोर की मौत से भड़के ग्रामीणों ने ट्रैक्टर फूंका। तो रामनगर के पिरुमदारा क्षेत्र में थारी गाँव में हादसे में किशोर की मौत के बाद ग्रामीणों ने ट्रैक्टर को आग लगा दी। सूचना पर 20 मीटर दूर से पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस ने आग बुझाई। ग्रामीणों का आरोप है कि इससे पहले भी 28 दिसंबर को एक ट्रैक्टर की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, लेकिन पुलिस ने बेलगाम दौड़ रहे ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर लगाम नहीं लगाई। रामनगर में महिला पर बाघ ने हमला कर घायल किया। तो कार्बेट टाइगर रिजर्व बिजरानी रेंज के ग्राम गुजानी क्षेत्र में मवेशियों के लिए घास लेने गई एक महिला पर बाघ ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बनभूलपुरा में सफाई कर्मी से मारपीट के बाद हंगामा। तो बनभूलपुरा नई बस्ती में सोमवार सुबह एक सफाई कर्मी के साथ मारपीट के बाद गुस्साए लोगों ने बाद में बनभूलपुरा थाने का घेराव किया। पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिल्ली की तलाश में 2500 किलोमीटर दूर पहुंचे। तो हल्द्वानी से खबर आई है 3 अक्टूबर 2020 को गुम हुई अपनी बिल्ली लियो की तलाश में 2500 किलोमीटर से अधिक दूर बेंगलुरु से कपूर दंपति नैनीताल के सूर्या गांव पहुंचा है। ग्रामीण उनके साथ मिलकर लियो को खोजने के लिए जंगल की खाक छान रहे हैं। हुआ यूं कि 1 व 2 अक्टूबर को बेंगलुरु निवासी हर्ष कपूर पत्नी भव्या पांडे कपूर के साथ अपने 2 बिल्लियों लियो और कोको को लेकर घूमने के लिए सूर्या गांव स्थित बलोट रिजॉर्ट पहुंचे। 3 अक्टूबर को लियो जंगल में गुम हो गई। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 30 जनवरी को होगी। तो प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 30 जनवरी को होनी तय हो गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राज्य सरकार विधानसभा के बजट सत्र को निर्णय ले सकती है। मुख्यमंत्री पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि इस बार का बजट सत्र गैरसैंण विधानसभा में होगा। इसके अलावा राज्य सरकार कैबिनेट में महिलाओं को भू अधिकार कानून में संशोधन के प्रस्ताव पर निर्णय ले सकती है। इस संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी को अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को देनी है। इसके अलावा विभिन्न विभागों से मसलों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री का अल्मोड़ा व पौड़ी का दौरा कल। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 27 जनवरी को अल्मोड़ा और पौड़ी के भ्रमण पर रहेंगे। इस दौरान वह कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। औद्योगिक भांग की खेती से 2 लाख को मिलेगा रोजगार। तो प्रदेश में औद्योगिक हेम्प भांग की खेती से 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके लिए सरकार 6000 हेक्टेयर क्षेत्र में हेम्प की खेती की योजना बना रही है। दिल्ली सीमा पर 60,000 से अधिक ट्रैक्टर। तो हाईवे पर 20 किलोमीटर लंबा जाम। पंजाब से ट्रैक्टर परेड के लिए रवाना हुए हजारों किसान, महिलाएँ बच्चे भी इसमें शामिल हैं। आज परेड मैदान में राज्यपाल करेंगी ध्वजारोहण। तो गणतंत्र दिवस के मौके पर सोमवार को परेड मैदान में होने वाले मुख्य आयोजन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ध्वजारोहण करेंगी। गर्व महसूस कर रहा रतोड़ी का परिवार। तो पुलवामा में शहीद हुए मोहनलाल रतोड़ी का परिवार उन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक मिलने की घोषणा से गर्व महसूस कर रहा है। कल हरिद्वार से चलेगी नई दिल्ली शताब्दी काठगोदाम जनशताब्दी। तो देहरादून नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस और देहरादून काठगोदाम जनशताब्दी एक्सप्रेस का संचालन बुधवार को देहरादून के बजाय हरिद्वार से होगा।
देहरादून से खबर आई है, बेटे ने गला दबाकर की मां की हत्या, पत्नी संग गिरफ्तार। तो एक बुजुर्ग महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्या का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ। प्राथमिक पड़ताल के बाद हत्या का आरोप महिला के बेटे और बहू पर है। दोनों के खिलाफ पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। चड़ोगी में गौशाला में लगी आग, 23 पशुओं की मौत हो गई। तो जौनपुर क्षेत्र के चड़ोगी गांव के पास एक गौशाला में आग लग गई, इसमें 23 पशुओं की मौत हो गई। कार बेचने के नाम पर ठगे 75,000 रुपये। तो सोशल साइट में कार खरीदने के फेर में एक व्यक्ति अच्छी खासी रकम गवा बैठा। विज्ञापन अपलोड करने वाले शख्स ने व्यक्ति से कुल 75,000 रुपये ठग लिए। इस बाबत डालनवाला कोतवाली में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। सिलेंडर रिफिलिंग करते दो पकड़े गए हैं। तो रायपुर पुलिस ने अवैध रूप से रसोई गैस सिलेंडर रिफिलिंग का भंडाफोड़ किया है। सब्जी लेकर लौट रही महिला का छीना पर्स। तो देहरादून से खबर है, जहां पर सब्जी लेकर घर लौट रही महिला से स्कूटर सवार दो बदमाशों ने पर्स लूट लिया। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो भारतीय वायुसेना में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 7 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय सेना आर्मी में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 13 फरवरी 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। टेक्निकल ऑफिसर सहित कई पद खाली। तो संघ लोक सेवा में 296 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें टेक्निकल ऑफिसर, लेक्चरर, प्रोफेसर इन सभी की भर्ती निकली हुई है। तो 296 पदों पर भर्ती है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के, यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं और 11 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। एलडीसी सहित विभिन्न पद रिक्त, 11 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। डॉक्टर संजय को मिला 40 साल की सेवा का इनाम। तो सर्जरी में हासिल उपलब्धियों के लिए लिम्का बुक और गिनीज बुक में शामिल है नाम। तो डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय को चिकित्सा जगत में उनकी 40 साल की सेवा का इनाम मिला है। डॉक्टर संजय को कई देशों से फेलोशिप भी मिली है। सर्जरी के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए उनका नाम लिम्का बुक ऑफ गिनीज बुक में भी शामिल किया गया है। मसूरी में माफिया ने काटे देवदार के हरे पेड़। तो जांच में जुटा वन विभाग और लंडोर कैंट प्रशासन, दर्ज कराया जाएगा मुकदमा। छावनी परिषद ने प्रेमनगर से हटाया अतिक्रमण। तो छावनी परिषद गढ़ी ने सोमवार को प्रेमनगर बाजार से अतिक्रमण हटाया। अनुरोध पर कई लोगों को कुछ दिनों की मोहलत भी दी गई है। बढ़ने लगी पासपोर्ट के आवेदन की संख्या। तो कोरोना संक्रमण के मामले कम होने से पासपोर्ट कार्यालय में आवेदकों की संख्या भी बढ़ने लगी है। इसका असर देहरादून स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र और प्रदेश के 6 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर दिखने लगा है। ऋषिकेश से खबर आई है, फलदा कोट में भालू ने गाय को मार डाला। तो यमकेश्वर ब्लॉक के फलदा कोट मल्ला गाँव में भालू ने एक गाय को मार डाला। दून की स्थान बढ़ाएगी झांकी। तो गणतंत्र दिवस की परेड के लिए घंटा घर का मॉडल तैयार किया गया है। एनआईएस से प्रमाण पत्र न मिलने से छात्र परेशान। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईएस से उत्तीर्ण छात्रों को शैक्षिक प्रमाण पत्र जारी करने में हो रही देरी पर भाजयुमो ने संस्थान निदेशक को ज्ञापन सौंपा है। किसान की बिटिया अंकिता ने रोशन किया प्रदेश का नाम। तो किसान महिमा नंद ध्यानी की होनहार बिटिया अंकिता ध्यानी ने उत्तराखंड का नाम रोशन किया। अंकिता ने भोपाल में चल रहे नेशनल जूनियर फेडरेशन कप में नए रिकॉर्ड के साथ 2 गोल्ड अपने नाम किए हैं। 17 अफसरों को सुशासन पुरस्कार। तो उत्तरकाशी के वन अधिकारी संदीप को भूस्खलन पर नियंत्रण के लिए किया गया पुरस्कृत। गढ़वाल विश्वविद्यालय छूटे 900 छात्रों की मुख्य परीक्षा 30 जनवरी से। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा बैक परीक्षा शिक्षा सत्र 2019-20 30 जनवरी से शुरू हो रही है। परीक्षाएं 12 फरवरी तक चलेंगी। निराश काश्तकार ने मांगी माल्टा के 200 पेड़ काटने की अनुमति। तो अगस्त मुनि विकास खंड के औरिंग गाँव के काश्तकार अजीत सिंह गंडारी ने उद्यान विभाग से
200 माल्टे के पेड़ों को 1 फरवरी से काटने की अनुमति मांगी है। कहना है कि खरीदार के अभाव में माल्टे पेड़ों पर लदे हैं, जिसे पक्षी व बंदर नष्ट कर रहे हैं। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो महाकुंभ की शुरुआत 27 फरवरी से होनी तय। तो कुंभ मेले की शुरुआत 27 फरवरी से होनी तय की गई है, जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। रेंजर पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप, तो जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि ने श्यामपुर रेंज में तैनात रेंजर पर गोली मारकर जान से मारने की धमकी देने और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाया है। प्रतिनिधि ने ग्रामीण के साथ मिलकर रेंजर के खिलाफ धरना शुरू कर दिया है। दुकानदार पर बाइक सवार युवकों ने हमला किया। तो धनौरी से खबर है, ढाबे से अपने घर लौट रहे एक ढाबा स्वामी पर 3 हमलावरों ने देर रात हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित को आसपास और परिजनों ने सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया। हालात गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर किया है। वहीं खबर है, हरिद्वार से हाथी पुल के नीचे प्रसाद बेचने वाले से मारपीट की गई है। तो हाथी पुल के नीचे प्रसाद व प्लास्टिक की बोतल बेचने वाले युवक पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया। वहीं खबर है, हरिद्वार से किराएदार और मकान मालिक के बीच मारपीट हुई है। उधमपुर की नाबालिग हरिद्वार में घूमती मिली। तो जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर की एक नाबालिग पुलिस को लावारिस अवस्था में घूमती मिली। पूछताछ में बताया कि परिजन ने उसे डांट दिया था। गणतंत्र दिवस पर पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। तो गणतंत्र दिवस को लेकर के जिले भर में अलर्ट जारी किया है। अलर्ट को देखते हुए थाना प्रभारी व चौकी प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों में चेकिंग कर रहे हैं। लोकतंत्र की मजबूती के लिए करें मतदान। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर डीएम ने कलेक्ट्रेट में कर्मचारी को शपथ दिलाई। जगजीतपुर में बनेगा 2000 बेड का स्थायी कोविड अस्पताल। तो कुंभ के मद्देनजर पहले 1000 बिस्तर के लिए आईटीबीपी से ली जा रही थी मदद। कोरोना की चुनौतियों के बीच महाकुंभ के लिए तैयार हैं हम। तो एसओपी जारी होने के बाद कोविड-19 के बीच कुंभ आयोजन को लेकर तमाम अटकलें दूर हो गई हैं। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो साहब जाम में फंसे तो हरकत में आया अमला। तो शहर के लिए नासूर बन चुकी जाम में जब डीएम सविन बंसल फंसे, तब सिस्टम में हरकत दिखी। पुलिस वाले दौड़े चले आए। आनंद फानन में जाम खुलवाने की मशक्कत की गई। जाम लगाने वाली बस चालक का चालन कर डीएम के काफिले का रास्ता साफ किया गया। ट्रैक्टर ने बाइक सवारों को रौंदा, एक की मौत हो गई। तो पिरुंदारा क्षेत्र में थारी गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। बाघ ने महिला पर किया हमला, तो महिलाओं के शोर मचाने पर घायल को छोड़कर चला गया बाघ। गोजानी स्थित आम के बगीचे में घास काटने गई थी महिला। एंटीजन किट से कोरोना जांच बंद। तो जिले में एंटीजन रैपिड किट से कोरोना की जांच बंद हो गई है। एंटीजन किट की कमी के चलते जांच बंद हुई है। कोविड की जांच ट्रूनेट और आरटीपीसीआर से हो रही है। वहीं खबर है, हल्द्वानी से 6 केंद्रों पर 488 ने लगाया कोरोना का टीका। धूप में तपिश ने शीतलहर से कपकपी। तो सूर्यदेव की तपिश भी ठंड से राहत नहीं दे सकी है। शीतलहर ने सभी के हार्ट कपा दिए हैं। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 24 घंटे में उधमसिंह नगर और हरिद्वार में मध्यम से घना कोहरा छाने की संभावना जताई है। हल्द्वानी में किसानों ने भी दिखाया गुस्सा। तो 300 किसान हल्द्वानी से गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। पर्यावरण मित्र की पिटाई पर थाने में हंगामा। तो वार्ड 27 का मामला, दूसरे पक्ष ने चोरी के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया। पिकअप पलटी, बाल बाल बच्चे सवार। तो नैनीताल से खबर आई है, नैनीताल सेंट मेरी स्कूल के पास झोंक खाने के कारण सामान से लदी एक पिकअप सड़क से पलट गई। बेकाबू कार पुल से गिरी। तो रामनगर से खबर आई है, शिवनाथपुर पुरानी बस्ती पुल पर सोमवार दोपहर एक कार बेकाबू होकर पुल के नीचे गिर गई। गनीमत रही कि चालक खत्ता निवासी भाई याकूब को मामूली चोटें आईं। हल्द्वानी से खबर आई, राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सोमवार को जगह जगह कार्यक्रम किए गए।
वन्य जीवों को देखें और जानकारी भी लें। तो नैनीताल से खबर है, उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान पहुंचने वाले सैलानियों के लिए वन्य जीवों का दीदार करने के साथ उनके बारे में अहम जानकारी हासिल करने के उद्देश्य से खोला गया है। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो देवलथल के हराली में तेंदुए ने महिला को मारा, तो 2 महीने में तेंदुए के हमले से महिला की मौत का ये तीसरा मामला है। टनकपुर पावर स्टेशन में 51 दिन बिजली उत्पादन ठप रहेगा। तो टनकपुर बैराज से नेपाल के लिए बनाई जा रही नहर निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। नहर को शारदा से जोड़ने के लिए 8 फरवरी से गेट का निर्माण कार्य शुरू होगा। इसके लिए बैराज के गेट खोलकर डाउन स्ट्रीम में पानी छोड़ा जाएगा। ग्रामीणों ने सीमांकन टीम को लौटा दिया। तो ग्रामीणों ने किया उचोली गोट खनन क्षेत्र के सीमांकन का विरोध, कहा गांव की सुरक्षा के लिए नहीं होने देंगे खनन। वहीं चंपावत से खबर है, यह मोबाइल नेटवर्क सुधारने के लिए प्रदर्शन किया गया। मुंशियारी से खबर है, नेपाली युवक की हत्या में दोस्त नामजद। तो पिछले साल अक्टूबर में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई नेपाली युवक की मौत के मामले में मृतक की मां की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। दहेज हत्या में पति और देवर गिरफ्तार। तो टनकपुर से खबर आई है, दहेज हत्या के आरोप में पुलिस ने संदिग्ध परिस्थितियों में मरी महिला के पति और देवर को गिरफ्तार किया है। ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। तो खटीमा से खबर है, चकरपुर रेलवे स्टेशन पर टनकपुर से आ रही ट्रायल ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जगोली धर्मशाला तक निकली थी पहली प्रभात फेरी। तो देश की आजादी के बाद पहली बार 26 जनवरी 1952 को अंगीकृत किए गए भारतीय संविधान के लागू होने की खुशी में चंपावत जिले के ऐतिहासिक जागोली धर्मशाला में पहली बार प्रभात फेरी निकाली गई थी। डीडी हाथ गंगोली धारचूला में 228 ने लगाया कोरोना का टीका। केवीके ने विकसित की ब्रोकली की उन्नत प्रजाति। तो सुई में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने ब्रोकली हरी गोभी की उन्नत प्रजाति का उत्पादन करने में सफलता हासिल पाई है। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की, तो सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। तो सितारगंज से खबर आई है, टैगोर नगर गांव के 3 पानी मोड़ के आगे जेल के मार्ग में हुआ हादसा। खटीमा से 1800 किसान दिल्ली गए। तो 2 बसों सहित 50 ट्रैक्टरों में था महिलाओं और बच्चों का काफिला। जसपुर के किसान राशन लेकर गए। काशीपुर से खबर आई है, फैक्ट्री के बॉयलर में लगी आग, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।